नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूँ। चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम में शंख का नाद नहीं किया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा के साथ वैज्ञानिक कारण क्या है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम में स्थित तुलसी भवन में मां लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में थी, तभी भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था। भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के ध्यान में किसी भी तरह का विघ्न नहीं चाहते थे, तो उन्होंने शंख का नाद नहीं किया। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार केदारनाथ में राक्षसों का काफी प्रकोप था, मनुष्य से लेकर ऋषि मुनि तक को उन्होंने परेशान कर रखा था। ऐसे में अगस्त्य मुनि ने केदारनाथ में राक्षसों का वध करना आरंभ कर दिया था। तभी वतापी और अतापी नाम के दो राक्षस अपनी जान बचाने के लिए मंदाकिनी नदी की मदद ली और वहीं पर वह दोनों शंख में छिप गए। ऐसे में मुनि ने शंख नहीं बजाया, क्योंकि इससे वह दोनों राक्षस आसानी से भाग जाते। इस वजह से भी बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता है। इस धाम में शंख न बजाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर अधिक बर्फ पड़ने लगती है। ऐसे में अगर शंख का नाद किया जाता है तो इसकी ध्वनि से बर्फ में दरार पड़ सकती है, जिसके अलावा बर्फ का तूफान आ सकता है। ऐसे में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होने से जान माल को काफी नुकसान हो सकता है।